डियर अलवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आई एम तवसीफ़ पहमद वोकेशनल ट्रेनर एग्रीकल्चर बी एच एस एस कलमाबाद हंदवारा एंड माई वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर इज बी एबल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट ऑफ सोइंग और प्लांटिंग फर्स्ट मेथड है ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग इज एन ओल्ड एंड पर्मिटव मैथड आफ प्लान्ट राइस सिक्सटी टू एटी के जीज पर हेक्टीर ऑफ सीड स्प्रैड रैंडमली एक्रॉस द फील्ड यूनिफॉर्म फील्ड कवरेज ब्रॉडकास्टिंग कैन ऑल्सो बी डन इन स्ट्रेट लाइनज एट एस्टिमेटेड डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर अबाउट ये जो ब्रॉडकास्टिंग है ये एक परमिटिव मैथड है प्लांट राइस प्लांटिंग का इसमें हम जनरली जो सीड रेट है वो सिक्सटी टू एटी के जीज पर हेक्टेयर यूज करते हैं और सीड्स को रेंडमली फील्ड पे स्प्रेड करते हैं टू ऑबटेन यूनिफार्म फील्ड कवरेज ब्रॉडकास्टिंग हम स्ट्रेट लाइनज में भी कर सकते हैं लेकिन उन लाइनज़ में जो डिस्टेंस होती है वो हम ट्वेंटी सेंटीमीटर रखते हैं इसमें क्या करते हैं हम फार्मर इसमें शहलो फरोज़ बनाते हैं छोटे छोटे फरोज़ बनाते हैं उन फरोज़ में सीड्स को ड्रॉप करते हैं और फिर उन उस पर मिट्टी डालते हैं विद हेल्प ऑफ ट हारो उसको सॉइल से कवर करते हैं उन सीड्स को यह है ब्रॉडकास्टिंग मैथडर मैथड इज ड्रिलिंग मैथड सीड्स आर सोन आइदर विद ए सीड ड्रिल और ए मशीन और ए पुला ए ड्राई सॉइल लूज एन एफ फॉर सीडलिंग एंड आल्सो मॉइस्ट एन एफ फॉर गुड जर्मिनेशन ये जो सी ड्रिलिंग मेथड है इसमें हम सी ड्रिल यूज करते हैं वो एक मशीन के साथ अटैच होती है या प्लाह के साथ अटैच होती है इसमें सॉइल लूज होनी चाहिए और सॉइल में मॉइस्चर भी अच्छा होना चाहिए फॉर गुड जर्मिनेशन। ए स्मूथ लेवल सीड बेड इज नेसेसरी टू एंश्योर प्रॉपर सीड प्लेसमेंट एट ऑप्टिमम डेप्थ एंड एनअ वाटर सप्लाई टू ग्रो सक्सेसफुल क्रॉप। द फर्टिलाइजर्स एंड सीड कैन बी अप्लाइड एट द सेम टाइम इस ड्रिलिंग मेथड में ये जो सीड बेड है वो स्मूथ होना चाहिए उसकी लेवलिंग अच्छी होनी चाहिए और उसमें जो ऑप्टिमम डेप्थ भी होनी चाहिए सी, सीड के लिए ताकि वो ग्रो अच्छी सक्सेसफुली हो जाए इसमें ड्रिलिंग मेथड में हम फर्टिलाइजर्स भी सीड के साथ एट अ टाइम ऐड करते हैं सोइल में तो दिस इज द ड्रिलिंग मैथडर स्टूडेंट इट इट्स फॉर टुडे अल्लाह हाफिज़